जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस का मतलब है लोगों का दिवस। इस दिवस को मनाने के लिए हमारे जितने भी महान क्रांतिकारी है उन सभी ने बहुत सारे संघर्ष किए। जैसे कि आज 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं और ये हमारे लिए गर्व का दिवस रहता है। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था जो कि हमारे बहुत से क्रांतिकारी मिलकर से किए थे। इसमें बहुत संघर्ष किया गया था, जैसे कि एक महान क्रांतिकारी भीमराव अम्बेडकर की घटना भी इसमें हुई थी। उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उन्होंने उस समय उनको ध्यान नहीं दिया, अपने देश के लोगों के लिए संविधान के लिए परमिशन लेने गए थे। और जान सकते हैं कि आप हमारे जो आज हम खुल के जी सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं वो हमारे संविधान के लिए हुआ था। जितने भी लोगों ने, जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि हमारे संविधान को बनाने के लिए 299 सदस्य की संगठन की गई थी जिन्होंने हमारे संविधान को बहुत अच्छी तरह से लिखा, जिसके कारण हम आज एक बेहतरीन संविधान के साथ जी रहे हैं। हमारे पास हर एक अधिकार मिला हुआ है, जैसे कि हम कुछ भी अपनी बात कह सकते हैं, मान सकते हैं, कहवा सकते हैं। यदि हमारे साथ कुछ विरोध हो रहा है या कुछ भी घटना हो रही है तो हम उसके खिलाफ संघर्ष भी कर सकते हैं या उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ सकते हैं। ऐसे और भी कई घटनाएं हैं। और जो रिपब्लिक डे है जिसके कारण संविधान बना, उन्होंने सब एकता के साथ मिलकर बनाया, जिसमें कई लोग थे जैसे दलित, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और भी पिछड़ी जाति, ये सब मिलकर उनको बनाया, जिससे एकता का प्रतीक भी हमें मिला। इससे हमारे देश को शांति और एकता में रहने के भी प्रतीक मिला तथा इस देश को हम हर साल मनाने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमें इस दिन याद है कि हमारे जितने भी महान क्रांतिकारी हैं इन्होंने हमारे लिए जो संविधान को लिखा हमारे लिए एक अच्छे अधिकार दिए, जिस कारण हम यह संविधान भारत पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी माना जाता है। और भी इसमें बहुत सारे, इसमें बहुत अहम भूमिका हमारे भारतीय सेना भी निभाती है। जैसे कि हाल ही में बहुत से सेना शहीद हुए, जिस कारण वो सेना भी हमारे शहीद, उनको भी हम आज के दिन याद करते हैं। और भी कई महापुरुष हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत सारे महान भाषण दिए। और इस दिन हमारे देश के दिल्ली में राष्ट्रपति के एक परेड का योजना भी किया जाता है। अभी कोरोना काल को देखते हुए ऐसे भी योजना भी नहीं हो रही है। अभी सभी स्कूल में आप देख सकते हैं कि जितने 2-3 वर्ष पहले धूमधाम से मनाया जाता था लेकिन आज हाल के कुछ वर्षों में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब कोरोना को बढ़ते देखते हुए हमारे जो